ये भद्दा लगेगा नहीं, इसलिए हम इसको लगा देते हैं, डार्क स्पॉट नहीं दिखेगा। एक महीने का 5,000 रुपए का बिल है। सबसे ज्यादा आप ही चलाते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको हमारे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो आप हमारे व्लॉग्स को लाइक कर सकते हैं। एंड आज है 4 अगस्त और मैं जा रहा हूँ रेवाड़ी कुछ काम से, और आज जा रही है मेरे साथ मेरी मदर, उनको मुझे रेवाड़ी ड्रॉप करना है। रेवाड़ी से फिर वो गाँव जाएंगी एंड मैं वापस भिवाड़ी आ जाऊँगा, क्योंकि उनको गांव में कुछ काम है, कुछ मिसहैपनिंग हो गई है, तो उनको वहां पे जाना है। मुझे उनको छोड़ के वापस आना है, क्योंकि मैं उनको रेवाड़ी ड्रॉप कर दूंगा और वहां से उनको अंकल गांव लेकर जाएंगे, और मैं सीधा अपना काम करके जो है वो भिवाड़ी आ जाऊंगा। मैं तो आ गया हूं और मैं मम्मी का वेट कर रहा हूं। इतने मैंने अपनी गाड़ी को ठंडी कर ली है एसी चला के, गाड़ी तो इतनी ज़्यादा गर्म रहती है। मैं 2 मिनट पहले ही आ गया और अभी गाड़ी बिल्कुल चिल्ड हो गई है। मम्मी आती है उसके बाद फिर हम लोग रेवाड़ी निकलते हैं। और ये हम आ गए हैं NH 48 पे। आज मौसम बिल्कुल साफ़ है और रोड भी काफ़ी खाली है, क्योंकि अभी आफ्टरनून के 12 बजे। तो मैं अभी आ चुका हूँ रेवाड़ी BMG मॉल के अंदर। तो यहाँ पे मुझे अपना काम निपटाना है और मम्मी को भी मुझे BMG मॉल छोड़ना है। तो यहाँ पे अंकल आएंगे तो वो मम्मी को लेकर गाँव चले जाएँगे। अभी लोग मॉल के कैफेटेरिया में बैठे हुए हैं, अंकल का वेट कर रहे हैं। उनको हमें वेट करते हुए हाफ एन आवर हो गए, लेकिन वो अभी तक नहीं आए, पता नहीं कहाँ रह गए। अभी मैं अपनी कार को वर्कशॉप में लेके आया हूँ इसको हल्का सा पेंट कराने के लिए। अब देखते हैं कि मिस्त्री क्या करता है। थोड़ा सा पेंट लगेगा, अब पता नहीं वो क्या करता है। एक्चुअली में जो ये कलर है ना, ये पर्ल वाइट है, ये वाइट भी नहीं है। तो ये जो मैकेनिक है ये बोल रहे हैं कि यार पर्ल वाइट तो आसानी से भी नहीं मिलता कलर, अगर वाइट होता तो हम कर देते। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, इसका जो ये बिडिंग है, इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पेंट है वो सारा हट गया है, और यहाँ पर भी कुछ था और लेकिन उन्होंने रबिंग करके इसको थोड़ा सा ठीक कर दिया। अब इस पर हल्का सा पेंट लगा देंगे, वाइट पेंट। ये हमारे मैकेनिक साहब है सुखबीर सिंह। तो ये कौन सा कलर है? वाइट। ये पड़ो है कीड़ो कीड़ा तेरा है, पर तू जिगर गलत बता रहा है। ये है कलर प्योर प्योर वाइट। प्योर वाइट है ना। हाँ, लेकिन आपकी गाड़ी का कलर है पर्ल वाइट। पर्ल वाइट अब हमारे पास है नहीं, ये भद्दा लगेगा नहीं, इसलिए हम इसको लगा देते हैं, डार्क स्पॉट नहीं दिखेगा। समझ रहे हो ये बात? कुछ दिन बाद सेम हो जाएगा ये। अच्छा, दिख तो रहा है वैसा, लगे ना। अच्छा, ये भी पर्ल वाइट है, ये कलर जो है इसका। हाँ, स्पॉइलर इसका वेडिंग है। इसको बोलते हैं डोर वेडिंग। तो भाई ऐसा काम हो रहा है। आज मैंने पहनी है पिंक कलर की शर्ट काफ़ी दिनों बाद। यूजुअली मैं समर्स में शर्ट नहीं पहनता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है शर्ट में। अभी थोड़ा सा मौसम ठीक हो चुका है तो अभी शर्ट पहन सकते हैं, तो आज मैंने शर्ट पहनी है। सही लगती है शर्ट, फॉर्मल शर्ट। और साथ में है आज मेरे कुसुम और कियान, हम लोग जा रहे हैं भिवाड़ी में कहीं पर एक मीटिंग करने के लिए। होपफुल वो मीटिंग हमारी पॉजिटिव रहे और सब कुछ अच्छा रहे। कियान की फुल मौज है, डेली घूमता है ये गाड़ी में। इसको बिल्कुल मन नहीं करता गाड़ी से उतरने का। इसको इतना, मैं गाड़ी में खुद बैठ रही थी तो मैंने इसको उठाया गोदी में लेने के लिए, तो रोने लगा। इसको लगा जैसे कि मैं इसको ना नीचे उतारूंगी अभी। इसकी अब डेली की आदत हो गई, इसको बैठना होता है गाड़ी में। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सुबह सुबह 5-7 मिनट गाड़ी के अंदर बैठा देते हैं और ये उसी के अंदर एंजॉय कर लेता है। अभी मैंने कुसुम को ड्रॉप कर दिया है और अभी मैं जा रहा हूँ हांगकांग बाजार। जी हाँ, भिवाड़ी में भी हांगकांग बाजार है, बट पता नहीं ये नाम क्यों पड़ा हांगकांग बाजार। इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं जो हांगकांग से संबंधित हो। तो ये है हांगकांग बाजार, इसके ऊपर सोसाइटियाँ बनी हुई है और ये पूरा एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। इसका नाम इन्होंने दिया है हांगकांग बाजार। अब पता नहीं इन्होंने हांगकांग बाजार क्यों दिया है। यहाँ पे कुछ मेडिकल स्टोर्स हैं, ग्रोफर्स है, कुछ भी नाम रख देते हैं। इसके पीछे पता नहीं क्या लॉजिक है। हमने ऐसा मार्केट देखा था गुड़गांव के अंदर भी,
उसका नाम भी हांगकांग बाजार था। भाई मैं फिलहाल आ गया हूँ जेनेसिस मॉल, ये भिवाड़ी के अंदर एक मॉल है। काफ़ी शॉप्स बंद हो गई है लॉकडाउन की वजह से, काफ़ी शॉप्स ओपन भी है। तो ये मॉल है तो काफ़ी बड़ा, बट तो भाई ये मॉल है जेनेसिस मॉल, काफ़ी बड़ा मॉल है बट लॉकडाउन की वजह से, कोविड की वजह से काफ़ी साइड इफ़ेक्ट हुआ है इन मॉल्स के ऊपर। इसके ऊपर एक सिनेमा हॉल भी है, बाकी सारे मॉल की एक ही कंडीशन है, कोई भी मॉल अभी ज़्यादा नहीं चल रहे हैं। और इस मॉल के अंदर स्पास भी है, तो तीन चार स्पास हैं जो कि ठीक ठाक ही चल रहे हैं। तो ये कुछ शॉप्स हैं यहाँ पे, रेड टेप है, बैलेंस कार्ड है, कैंटाबिल है और कुछ आइसक्रीम पार्लर्स हैं यहाँ पे। ये हमारा खाना आ चुका है, खाने में है रायता, घिया की सब्जी, इधर है पत्ता गोभी की सब्जी और मिर्ची। ऐसे नहीं खाएंगे ना, अभी मम्मी खिलाएगी। अब रायता खाना है आपको? लो मैं खिलाता हूँ रायता, थोड़ा सा रायता करा डिप। अभी खाओ तो, थोड़ा सा तो खा, इसको रायता नहीं खाना। आपको रायता नहीं खाना? इसको खट्टी चीज़ पसंद नहीं है। लो, हाथ नहीं देना, नो। हाबू है हाबू। और अभी रोटी आ चुकी गर्मा गर्म, और रोटी के साथ खाना खाएंगे अभी हम। लो खाना है, थोड़ा सा खा बेटा, थोड़ा सा बस, ये ना मुझे दे वापस। ला आप एक काम करो, मुझे खिला दो, ये लो। खिला ही नहीं पा रहा, ये ऐसे चला ही बिड़ते, मिला रहा है 5,000 रुपए का, मिला रहा है 5,000 का। बिल पता कितना है? 5,000 रुपए का, देख ले बिल। गाइस एक महीने का 5,000 रुपए का बिल है। सबसे ज्यादा आप ही चलाते हो, मैं भी फिर भी एक दो मिनट चलाती हूँ। राजस्थान में बिजली बहुत ही ज्यादा महंगी है ना, मतलब कि 2 AC है और 5,000 रुपए का बिल आ चुका है एक महीने का। देखिए इतना ज्यादा महंगा है बिजली का बिल राजस्थान में। अगर आप दिल्ली और हरियाणा से देख रहे हैं भाई, आप लोगों के मजे हैं, क्योंकि दिल्ली और हरियाणा में काफी सस्ती है बिजली, राजस्थान में भाई बहुत ज्यादा महंगी है। मिर्ची है ना, बीबी घाट का खाना, दूध है दूध। चलो अभी खाना खाते हैं और खाना खा कर फिर आपसे मिलते हैं। तो अभी हमारा खाना पीना हो गया है और अभी हम लोग सोने जा रहे हैं। सो आज के व्लॉग को हम लोग यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर व्लॉग, बाय।